हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, फाइनली ये नोटिफिकेशन आ चुका है मीटिंग का। क्या आया है इस नोटिफिकेशन में, आइए जानते हैं। कंपनी ने बताया है कि मीटिंग हुई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। उसमें पॉइंट नंबर वन ये है रेजिग्नेशन। कंपनी के CMD सुरेश कुमार जी रेड्डी और कंपनी के CFO नारायण राजू दोनों ने इस्तीफा दे दिया है, रेजिग्नेशन उन्होंने दे दिया है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने उनका जो इस्तीफा है, रेजिग्नेशन है, वो एक्सेप्ट कर लिया है, मंजूर कर दिया है। लीडरशिप ट्रांजिशन दूसरा पॉइंट यह है मीटिंग का। लीडरशिप ट्रांजिशन, उसमें कंपनी ने बताया है कि अभी नए CEO एंड CFO का अभी जो है हमें नया CEO CFO ढूंढना पड़ेगा, चल रहा है उसका बारे में। अभी तक कोई नया डिसाइड हुआ नहीं है, नया CFO CEO के बारे में इस कंपनी में कोई भी अभी डिसीजन हुआ नहीं है कि कौन रहेगा। बट देखते हैं कि कौन किसको अपॉइंट करता है, ऐसा कंपनी ने बताया है। तीसरा पॉइंट है इंटरनल कम्युनिकेशन। इट वॉज डिसाइडेड टू प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म द कंपनी स्टाफ अबाउट द अपकमिंग, मतलब कंपनी में जो चेंजेस हुए हैं वो कंपनी के सभी सब्सिडरीज को, स्टाफ को बताया जाएगा और कहा जाएगा कि जो भी है कुछ भी तकलीफ होगी नहीं। कंपनी का जो कामकाज चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, उसमें कोई भी जो है बाधा या डिसरप्शन आएगा नहीं, ऐसा भी कंपनी ने बताया है उसमें। और एक चौथा पॉइंट है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। कंपनी ने यह बताया है कि सेबी के ऑर्डर के मुताबिक CEO एंड CFO दोनों ने रिजाइन कर दिया है, तो ये भी प्रेस को और सेबी को सबको बताया जाएगा। पांचवा पॉइंट ये है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। द बोर्ड भी अलग कि जो भी आगे भी कंपनी को जो स्टेप उठानी है वो एज पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कंपनी उसको फॉलो करेगी, ऐसा भी कंपनी ने बताया है। कंपनी ने आखिर में अश्योरेंस दिया है बोर्ड ऑफ सब अपने शेयर होल्डर्स को, सभी को, कि कंपनी द बोर्ड इज कमिटेड टू मैनेजिंग द लीडरशिप ट्रांजिशन इज अ रिस्पॉन्सिबल एंड स्ट्रेटेजिक मैनर, प्रायोरिटाइजिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड द वेलबींग ऑफ द कंपनीज एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स। कंपनी यही बताने की कोशिश कर रही है कि कंपनी का बोर्ड कमिटेड है कि ये जो जो बदलाव हो रहे हैं कंपनी में उसमें जो भी रूल्स के हिसाब से जो चेंजेस करना है या जो कम्युनिकेशन करना है वो टाइम टू टाइम किया जाएगा और कंपनी को गिरने से बचाया जाएगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। हालांकि हमें जो उम्मीद थी बायबैक का कुछ इसमें डिसीजन आएगा, वो भी कुछ हुआ नहीं है, नए ऑडिटर के बारे में भी कुछ कहा गया नहीं है। इन शॉर्ट इस मीटिंग का निचोड़ निकाले हम लोग तो सिर्फ CEO और CFO ने रिजिग्नेशन दिया है, जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है, इतना ही इसमें बताया गया है। और हो सकता है ये मीटिंग ऑनलाइन हो क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर वहाँ पे 8-9 बजे तक बैठे थे, तो वहाँ तो कुछ हुआ नहीं था, जबकि मीटिंग के नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मीटिंग 8 बजे शुरू हुई और करीब करीब 9:50 पर ख़त्म हुई है। बट ठीक है, इसमें से अभी तक कुछ कॉन्क्रीट निकल कर आया नहीं है, बट एक ही बात निकल कर आई है कि कंपनी के MD अभी कब MD और CEO सुरेश कुमार जी रेड्डी अब नहीं रहेंगे। इस नोटिफिकेशन पर साइन जो किया हुआ है कंपनी के सेक्रेटरी वेंकटा राजेश, जो कि कंपनी का सेक्रेटरी और कंप्लायंस ऑफिसर है, इनका साइन है। अब इस मीटिंग के जो कंक्लूजन के कारण कल शेयर पर क्या इफेक्ट होता है ये देखने वाली बात होगी, बट ऐसा लगता तो नहीं है कि इसके कारण बहुत भयंकर तेजी आ जाएगी। एक्चुअली इसमें कुछ और निकल के आता था तो बात अलग थी, बट फिलहाल मीटिंग में इतना ही कहा गया है, तो देखते हैं इसका इफेक्ट कंपनी के जो शेयर के प्राइस पे क्या होता है वो देखने वाली बात होगी कल, बट इतना ही इसमें निकल कर आया है। अब देखना अभी कल मुश्किल है, पर मुझे लगता नहीं है किस कारण तेजी आएगी, ऐसा देखते हैं आगे क्या होता है। आपको डिसीजन लेना है कि आपको क्या करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।